नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे के अंदर ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जो कि दोस्तों गांव-गांव में तुम्हारे नाम के चर्चे होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपके दुश्मनों का आंखों से नींद, सैन, भूख, प्यास सब कुछ गायब होने वाले हैं, क्योंकि तुला राशि वालों खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो कि तुला राशि वालों पूरे गांव शहर में आपके नाम के चर्चे होंगे। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपसे जो अच्छे से बात नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपको व्यर्थ समझ रहे थे, नाकामयाब समझ रहे थे, वही लोग अब आपके पीछे पीछे घूमने वाले हैं और आपकी सफलता का राज जानना चाहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि आपको किसी से भी कुछ कहना नहीं है। यहां पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फेंकी हुई उस ईंट को आसियाना बना लेना। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे और वो आग की तरह जल जल कर भस्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। मित्रों, जलने वालों को जलने दो, वो जलते रहेंगे आग की तरह और आप ऐसे ही खिलते रहोगे गुलाब की तरह, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी का हाथ है। दुनिया का कोई भी ताकत आपका पीछा नहीं कर सकता। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले इन 24 घंटे के अंदर भगवान की तरफ से आपको बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ग्रहों की यह बदलती चाल आप सभी के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। जी हाँ, और यह खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि वालों को मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय जरूर निकालें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें। दोस्तों यकीन मानिए, आज की यह वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ, तो चलिए मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। हर समय मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किस्मत किसी का खराब नहीं होता है, जिंदगी जीने का तरीका आना चाहिए, फिर किस्मत क्या चीज, पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले इन 24 घंटे के अंदर आपके घर में दो बड़े देवता, दो बड़े मेहमान आने वाले हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि देवों के देव भगवान महादेव जी और माता रानी पार्वती जी अपना भेष बदलकर आपके घर आने वाले हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन दोस्तों पहचानने में भूल मत करना। जी हाँ, अगले 24 घंटे के अंदर भगवान यह है कि आपके घर एक नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला है, जो कि दोस्तों यह साक्षात माता रानी पार्वती जी होंगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी राशि वालों के जीवन में यह खुशखबरी दस्तक देने वाली है। दूसरा जो खुशखबरी है आपके लिए और भी अच्छा है, और भी तगड़ा खुशखबरी है। जी हाँ,
आपकी राशि वालों को आज मामा पक्ष से या फिर ससुराल पक्ष से धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आपने किसी को कोई कर्ज दिया हुआ था, रुपया पैसा या फिर कोई अन्य चीज़ था, तो आज आपको ठंडे दिमाग से काम लेना होगा आज के दिन, क्योंकि संभावना है कि आपका वह कर्ज मिल सकता है। अगर आपने विवेक का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ये जो है पा सकती हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आज आप अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। जी हाँ, निवास स्थान बदलाव संभव है या फिर नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या फिर उसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो यह समय उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आज आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। जी हाँ, आज का दिन बाहर के कार्यों को करने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। खासकर आज प्रतिस्पर्धा खेलों में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर से उसकी क्षमता से अधिक काम लेंगे, तो आपको मानसिक थकान भी महसूस होगी, जो कि आपको सामान्यतः कभी नहीं हुई थी। जी हाँ, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी शारीरिक स्थिति अत्यंत उत्तम है। जी हाँ, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय ग्रहों की स्थिति के कारण आपके संबंध में कुछ उलझन का समय चल रहा है। जी हाँ, पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और आपने रक्षात्मक जो है रुख अपना लिया है, जिससे आपके केवल सर नीचा करके शांति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि यही वो समय है जब आपको अपने रिश्तों की गहराई को जानने के लिए अधिक आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। आज आपको अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कार्य में अपने मित्रों और सहकर्मियों से सहायता मिल सकती है। आप जो है उनको अपना आभार देना ना भूलें, और बदले में आप भी समय पड़ने पर उनकी सहायता करें। धन एवं नकदी प्रवाह में सुधार आएगा। इस दिन आपको अपने अचानक खर्चों पर भी लगाम लगानी होगी। जी हाँ, क्योंकि आप अच्छा कमाएंगे, पर साथ साथ आपके खर्चे घटाने आपके लिए मुश्किल होंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदलेंगी कि आपको पहले से सोच समझकर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो फैसला आपने पहले किया है, वो फैसला आज आपको बदलना पड़ सकता है। आपको जीवन में आने वाली चीज़ों के प्रति अत्यधिक जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। आप अपने पहले तय किए हुए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है। इसी अप्रत्याशित घटना के कारण आपके छोटी अवधि के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगे। देखिए दोस्तों, भाग्य की अपेक्षा अधिक कर्म पर विश्वास रखना आपको और अधिक सकारात्मक बना रहा है। लाभ के मार्ग प्राप्त होंगी। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधित कार्यों में भी व्यस्तता रहेगी। घर के किसी खास वस्तु की शॉपिंग में भी सभी अभी समय संभव है। घर में छोटी मोटी बात को लेकर इशू बन सकता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो और आपकी जो है बिगड़ सकती हैं। योजनाएं बनाने के साथ साथ इन्हें कार्यरूप देना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की गतिविधियों पर अभी ध्यान दें। वहीं अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें, तो यह समय पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, मीडिया आदि से संबंधित व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। निजी कामों में व्यस्तता के कारण बिजनेस के काम घर से होंगे, साथ ही परिवारजनों का सहयोग भी बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों,
वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, यह समय घर में रख रखाव अथवा सुधार संबंधित कोई योजना बन रही है तो उसमें वास्तु के नियमों का भी अवश्य प्रयोग करें। जी हाँ, इस समय आपकी कोई बड़ी समस्या का भी हल हो सकती है। मनोकूल सफलता मिलने से ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, दूसरों के मामलों में सुलझाने के चक्कर में आप जो है मुश्किलों में पड़ सकती हैं। बेहतर होगा कि आप अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। युवा वर्ग अपने किसी कार्य में असफलता मिलने से कुछ तनाव में रहेंगे। अपने स्वभाव में बहुत ही धैर्य और संयम बनाकर रखना आपको बहुत खुशी देगा। वहीं दोस्तों, व्यावसायिक महत्वपूर्ण काम नियत समय पर पूरे होते जाएंगे, परंतु रिस्क प्रवृत्ति कार्यों से रुचि ना रखें। इस समय आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। शॉपिंग में दूसरों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल कर लें तथा जल्दबाजी और लापरवाही बिल्कुल ना करें। इससे आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। जी हाँ, आय के नए स्रोत बनेंगे। घर में बुजुर्गों का भी प्यार व आशीर्वाद शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय वरिष्ठता सा अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में बिल्कुल न आए। पैसा उधार देने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा दिक्कत होगा। बिजनेस में नुकसान के भी योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको समय के साथ चलना होगा और ज़्यादा पैसा वैसा इधर उधर इन्वेस्ट करने से बचिएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। आप भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। बिना सोचे समझे कहीं पर भी आप अभी कदम ना रखें, क्योंकि जल्दबाजी के लिए लिए गए फैसले आपको बदलने पड़ सकते हैं। जी हाँ, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए खर्च पर अंकुश लगाना आवश्यक होगा। अपने निजी कार्यों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से मन में जो है कुंठा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, अगर आपके लिए व्यवसाय की बात करें तो यह समय बिजनेस में गैर जरूरी कामों में ध्यान ना दें। सरकारी कामों में रुकावटें आ सकती है। देखिए, ज़्यादा ज़रूरी काम दोपहर से पहले ही निपटा लें तो उचित रहेगा और उसमें आपको उचित परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि दोपहर से पहले का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर कोई भी आप काम करते हैं तो उस समय आपको मन मुताबिक सफलता मिलती है। ऑफिशियल मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहें। आपको सफलता प्राप्त होगी। युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद व मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, इस समय ध्यान देने वाली बात है, फाइनेंस संबंधित मामलों में कुछ दिक्कतें आएगी। कोई नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। इस समय आर्थिक स्थिति कुछ मंद रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, इस समय व्यावसायिक स्थल पर मशीनरी, स्टाफ या कर्मचारियों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी रहेगी। आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप भरोसा करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि वो इंसान कैसा है, नहीं तो आगे चलकर परेशानी आप ही को होगी। नौकरी पेशा लोग कारभार काम होने से राहत की सांस ले पाएंगे। किसी ऑफिशियल यात्रा का प्लान बन सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए प्लान बनाना अभी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। वहीं अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा।
जी हाँ, आप तनाव मुक्त होकर अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जी हाँ, इसके उपरांत अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या बढ़ सकती है। मेडिटेशन और आराम के लिए समय निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। और आपको जो है खान पान में सुधार करने की ज़रूरत है और आपकी पानी की जो मात्रा है अभी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अभी पेट से संबंधित कोई समस्या होने की आशंका लग रही है। अगर आप सावधान और सतर्क रहेंगे तो इन समस्याओं से आप बच सकती हैं। दोस्तों तो आने वाले अगली 24 घंटे कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो, आज आपको एक के साथ कई क्षेत्रों से लाभ होगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आज आपको इतना ध्यान रखना है कि बिना मांगे किसी को भी सलाह ना दें, नहीं तो लोग स्वार्थी समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आज आपके घर में खुशियां दस्तक देने वाली है। नए मेहमान आज आपके घर आ सकते हैं जिससे आपका धन खर्च होगा और उसी में आज आप व्यस्त रहेंगे। आपका दैनिक दिनचर्या अति उत्तम रहेगा। दोपहर के बाद आज आप नए कार्यों की शुरुआत ना करें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों नए कामों के लिए दोपहर के बाद का जो समय है उत्तम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पेंडिंग पड़े कार्यों की शुरुआत कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है कि आज आपके बड़े भाई के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। जी हाँ, जिससे आपके घर के सभी सदस्य काफ़ी खुश नजर आएंगे। आज आपके कैरियर में सुधार होने की उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन दोस्तों आज आपके अंदर अहम की भावना उत्पन्न हो सकती है जिससे आपको बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, वर्तमान ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थिति बना रही है। जी हाँ, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचाने और उसका उपयोग करें। आज कुछ धनदायक स्थितियां भी बनेगी, साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करें। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे में अगर कोई मौका आपके हाथ आता है तो उसे जाने मत दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकती हैं, साथ ही बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ही ध्यान लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। जी हाँ, और यह समय व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। साथ ही स्टाफ और कर्मचारियों पर भी कड़ी नजर रखें। हालांकि रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के तरक्की के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद की स्थिति रह सकती है, परंतु स्थितियां भी आपको ही संभालनी होगी। प्रेम संबंधों के मामलों में लकी रहेंगी। आज के दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। कोई भी निर्णय लेते समय खुद पर ही विश्वास रखें, इससे आप सुचारू रूप से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय अपनी लव लाइफ से जुड़ी किसी भी गतिविधि में दूसरे का हस्तक्षेप ना होने दें। अगर कोई कोर्ट के संबंधित मामला चल रहा है तो आज उसको गंभीर रूप से सुचारू रहेंगे। और विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने कैरियर और पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सजग रहने की जरूरत है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यावसायिक संपर्कों का दायरा और बढ़ाने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। फाइनेंस तथा कंसिस्टेंट जैसी व्यवसाय बेहतरीन सफलता हासिल करेंगे। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को और अधिक समझने में समय लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अपने काम तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। इससे आप अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बना पाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे और अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से रूप देने की भी सक्षम रहेंगे। वहीं दोस्तों, अपनी मेहनत के परिणाम विलंब से मिलने की चिंता ना करें तथा उचित समय का इंतजार करें। जब आपका समय आएगा तब आपको बुला कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करते रहिए, फल की चिंता ना करें, क्योंकि जब आपका समय आएगा भगवान शनिदेव जी आपको बुला कर देंगे। जी हाँ, किसी भी तरह के सरकारी कार्यों को अधूरा ना छोड़ें। जी हाँ, कोई कार्यवाही हो सकती है, अपनी ईगो और गुस्से पर काबू रखना अभी बहुत ही जरूरी है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनी हुई है, सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रह गोचर अभी आपके अनुकूल है, भाग्य भी आपका साथ दे रही है। अगर आप सही समय पर सही कार्य कर लेंगे तो सफलता सीधे सीधे आपकी चौखट झूमेगी। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस से संबंधित कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले से अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, आपके लिए बेहतर होंगी। नौकरी पेशा लोग दस्तावेजों को संभाल कर रखें, ये आपके लिए अति उत्तम है। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण प्रेमपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों की वजह से दूरियां आ सकती है, इसलिए दोस्तों अभी आपको एक दूसरे को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होगी और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करनी होगी, यही आपके लिए बेहतर होंगे। आने वाले अगले 24 घंटे अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। काम ज़्यादा होने की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान आपके ऊपर हावी हो सकती है, इसलिए दोस्तों खुद को भी समय दें और काम के साथ साथ आराम करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। आज बड़े राज्यों और धनियों का निर्माण हो रहा है, आज आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। परिवार में कोई वाद विवाद लंबे समय से चली आ रही थी तो वह भी आज के दिन समाप्त होगी और परिवार में एक अलग ही खुशी का रौनक दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे आप और आप उसमें सफल भी होंगे, आप उसमें कामयाब भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। खासकर विद्यार्थियों के लिए समय अति उत्तम रहने वाला है। अगर उन्होंने किसी कंपटीशन में भाग लिया था या कहीं पर एग्जाम वगैरह दिया था तो वहां से उन्हें शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। आज आपके दैनिक दिनचर्या में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, रुके हुए कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आज आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आज आपको किस्मत का साथ मिल रहा है। जो भी काम आज आप अपने मन में ठानेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप नए कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप दोपहर से पहले ही कर लें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ, दोपहर के बाद समय उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर आप दोपहर से पहले करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, आपको गारंटी के साथ कामों में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दिन आपके लिए सुखद व्यतीत होगा। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रहे तनाव दूर होंगे और संबंधों में मधुरता आएगी। घर की साफ सफाई अथवा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। विद्यार्थी को भाग्य या नौकरी से संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें। जी हाँ, क्योंकि अनुभव की कमी से काम खराब भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट, कोई जानकार इंसान है तो आप उनका मार्गदर्शन, उनका सलाह मशवरा ले सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होंगे। कोर्ट केस अथवा संपत्ति संबंधित विवाद किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें, उनका समाधान आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस के लिए लिए गए निर्णय में शुरुआत में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। जी हाँ, अभी अपेक्षित लाभ की हासिल नहीं होगा, इस समय प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आपके लिए उत्तम रहेगा।
नौकरी पेशा लोगों को उनकी जीत कार्य क्षमता की वजह से प्रमोशन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी आपसी संबंधों के बीच चल रही गलतफहमियों का समय रहते निवारण कर लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। समय रहते इनका निवारण करें, प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे का खास ध्यान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इससे आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेंगी। जी हाँ, आज आपको कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं कुछ नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना और क्रियान्वयन करना आपको सफल बनाएगा। समाज में मान सम्मान भी बना रहेगा। विद्यार्थियों की अपने किसी विषय को लेकर चल रही समस्या भी दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, और व्यवसाय में किसी के साथ भी कोई डील या लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि आपको फायदेमंद अनुबंध मिलने वाले हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही है। पति पत्नी के बीच कुछ समय से चल रहे गलतफहमियों का निवारण होगा और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ रहेगी, लेकिन दोस्तों आपको व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर चलना ही उचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से आपके मान सम्मान में कोई आंच आ सकती है। जितना हो सके विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें और अपने घर पर ही अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, माता पिता के साथ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कार्यस्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आंतरिक व्यस्तता पर न होने दें। कर्मचारियों के बीच कुछ विवादित स्थितियाँ बनेगी। अधिकारी और जो है सम्मानित लोगों से संपर्क स्थापित रखना बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है, अत्यधिक खर्चों की वजह से हाथ थोड़ा तंग रहेगा। उधार दिए हुए पैसे वापस के लिए प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। दोपहर के बाद किसी काम के अटक जाने से चिंता रह सकती है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में पुनर्विचार अवश्य कर लें, ये आपके लिए उत्तम होंगे। जी हाँ, किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होते जाएंगे और आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से गंभीर रहेंगे। घर में नजदीकी संबंधियों की आवाजाही रहेगी और आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका पूरा परिवार, पूरा फैमिली गदगद हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी के बहुत दिन हो गए हैं तो आज आपके घर में कोई नन्हे मेहमान के किलकारी संबंधी शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे पूरे आंगन में ढोल बजाकर नाचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही सही है, 100% सटीक होने वाली है। दोस्तों, अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगल।